अज़ीज़ अहले वताकम अप्रैल दो हज़ार बाईस को आपने जो ज़िम्मेदारी मुझे बतौर वजीर अज़म सौंपी थी मुल्क की भलाई आपकी खैर खाई और ख़दमत की ये अमानत, अगस्त दो हज़ार तेईस को हम निगरानकूमत के सफुर्द कर देंगे इशा य ये अल्ला का बेपाया फ़जल कर्म है कि महज पंद्रह माह में हमने चार साल की बर्बादियों का हतलमकदुर मलबा साफ किया पाकिस्तान के मफादात की, की राह में बचाई गई बारूदी सुरंगें साफ की मीशत खारजा तल्ल तोानाई अमन अमान समेत दीगर शोबों में बदतरीन बद इन्तज़ामी करप्शन, नालायकी और साजिशों की लगी आग बुझाई सवा साल का यह मुख्तर अरसा नाउमीदी के अंधेरों से उम्मीद की रोशनी की तरफ एक पुरम सफ़र था सब कुछ खो जाने से कुछ हासिल होने का आगाज़ था तकरीब इंतजार और फसाद के रास्ते से तामीर की तरफ पलटने का सफ़र था माशी तबाही से निकल कर माशी इस्तेकाम की तरफ लौट आने का सफ़र था तन्हाई से निकल कर वफा और बातम दोस्तों और भाइयों की महफिल में वापसी का सफ़र था ये सैलाब में घिरे तीन करोड़ तीस लाख अहले वतन का हाथ थामने उनके बर्बाद घरौंदों और खेत खलीन को फिर से आबाद करने का सफ़र था बेरोज़गारी से दोबारा रोज़गार की फरहमी महंगाई के सताए हुए आवाम को कुछ रिलीफ़ फरहम करने का सफ़र था ये इंसानी अजमत वकार कौमी ख़ुद मुख्तारी मीडिया अजहार राय और शहरी आज़ादियों की बहारी का, का सफ़र था